हिंदू संगठनों का थाने का घेराव देखने को मिला। कांग्रेस विधायक पर भोलेनाथ के अपमान का आरोप है। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर चक्का जाम किया, विधायक पर FIR और गिरफ्तारी की मांग भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या है ये मामला? FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के दो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कह दिया कि जब तक FIR नहीं होगी तब तक अब वो थाने से नहीं हटने वाले हैं। लेटन चौराहे से लेकर हाई कोर्ट का जो पूरा रोड है, ये प्रमुख मार्ग है जो एक तरफ का पूरा बंद करना पड़ा क्योंकि चक्का जाम कर दिया हिंदू संगठन ने। भारी संख्या में इस वक्त टोकोगंज थाने भी इकट्ठे हैं। हंगामा चल रहा है और मांग सिर्फ एक है, बाबू चंदेल पर FIR दर्ज करो। भगवान शंकर का अपमान किया था, FIR दर्ज तो होना चाहिए और FIR की मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि FIR इस पूरे मामले में होने जा रही है और बहुत जल्द FIR की बात कही जा रही जी जी FIR की मांग तो हो रही है। अभी स्थिति पे स्थिति अभी हाल फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है मिथिलेश? ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों का थाने का घेराव आप देख रहे हैं। कांग्रेस विधायक पर कई तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं और अब ये थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। बाबू जंडेल पर भोलेनाथ के अपमान का दरअसल आरोप है और इसी आरोप को लेकर के ये मांग कई सारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से खबर है। तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले VHP नेता संतोष सिंह को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को पाकिस्तानी बताया, कहा कि घर वापसी अभियान बंद कर दो नहीं तो हत्या कर दी जाएगी। तो वहीं धमकी मिलने के बाद VHP नेता ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में है। बता दें कि VHP नेता संतोष सिंह को पहले भी कई बार फोन के जरिए धमकी मिल चुकी है। संतोष शर्मा जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव ही हैं। पहले से भी हमने PSO उन्हें दे रखा है। इससे पहले भी 2-3 शिकायतें, थ्रेटनिंग कॉल्स और धमकी देने वाली हमारे पास आई थी जिसकी हमने विधिवत जांच भी करा ली थी। एक बार पुनः वो आवेदन उनका आया है और उसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान से उनको थ्रेटनिंग कॉल आई है। हमने साइबर सेल को और हमारे DCP इंटेलिजेंस को सूचित किया है और स्थानीय थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वो इसकी जांच करे। और राजधानी रायपुर में 10 करोड़ का सोना पकड़ा गया। बता दें टिकरापारा इलाके में ये जेवरात मिले हैं। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से चेकिंग के दौरान बस से ये सोना पकड़ा और सोना जब्त कर फिलहाल आयकर विभाग को सौंप दिया है। ये सोना जगदलपुर से लाया जा रहा था। गोल्ड रायपुर के एक कारोबारी का बताया जा रहा है। हालांकि कारोबारी का नाम का खुलासा पुलिस अभी नहीं कर रही है। रायपुर में एक चाय बेचने वाले ने 100 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। आरोपी का नाम भुवनेश्वर यादव है जो चाय बेचता है। पुलिस ने करोड़ों की ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर 400 लोगों से 100 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप हैं। इन आरोपियों ने लोगों को शेयर ट्रेडिंग में डबल मुनाफे का झांसा दिया। इन आरोपियों के झांसे में एक के बाद एक लोग फंसते चले गए और अपनी गाढ़ी कमाई जो है इनके हवाले कर दी। इस मामले में पहले भी एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और अब और 2 गिरफ्तारियां। खरगोन जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज का झाड़ फूंक से एक तथाकथित बाबा जो है उपचार करते हुए नजर आया। सिविल सर्जन के कक्ष के पास ही दंत चिकित्सा कक्ष के सामने बेंच पर बैठा है। बुजुर्ग मरीज के हाथ की नस का उपचार कर रहा था। बाबा का उपचार करते वीडियो सामने आया। उपचार के नाम पर घुघरिया खेड़ी निवासी मरीज से तथाकथित बाबा ने 100 रुपए की फीस भी ली। मरीज का उपचार कर रहा रामेश्वरम निवासी बाबा का कहना है कि अस्पताल की गोली दवाई तकलीफ देती है। तो वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। बाबा के द्वारा ये सिविल सर्जन का कक्ष है जिला अस्पताल के, इसके बाहर ही यहाँ इलाज किया जा रहा था जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
और वायरल हो जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे सहित पूरे खरगोन में हड़कंप मच गया है कि जिला अस्पताल में बाबा के द्वारा मरीज का, एक जो बुजुर्ग मरीज था उसका उपचार किया जा रहा था। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये जो उपचार चल रहा था बाबा के द्वारा किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे आप? ये उपचार जो है जिला अस्पताल में जो असुविधाएं हो रही है मरीजों को, ये इस कारण कोई बाबा आके यहाँ पे सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, मरीज को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं, ये जिला अस्पताल की और जिला चिकित्सा विभाग की पोल खोलते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे सही समय पे अगर उपचार मिल जाए तो इस प्रकार के पाखंड वाले काम यहाँ पर ना हो। मेरा निवेदन है कि आप इसको आवाज़ उठाएँ और जिला चिकित्सालय जो है यहाँ की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास करें आप। निश्चित ही जिस प्रकार से बाबा के द्वारा मरीज का, जो मरीज बुजुर्ग मरीज था जिसकी नस का इलाज कर रहे थे, बाबा के द्वारा मालिश भी की जा रही थी, इसका वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जिला अस्पताल में जो मरीजों को सुविधा मिलना चाहिए या जो उपचार होना चाहिए वो उपचार कहीं ना कहीं नहीं हो रहा था, उसके चलते हुए बाबा के द्वारा एक मरीज का उपचार किया जा रहा था। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। इलाज किया इनका? नहीं, क्या क्या नस फंसी है। कितने रुपए लिए आपकी? 100 रुपए लिए। हो जाएगा इनका इलाज? अच्छा, हो जाएंगे। दादा कितने दिए पैसे? नहीं, पैसे कितने दिए? 100 रुपए दिए। ये अभी अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है, तो दिखवाते हैं क्या हो रहा है। नहीं, अब अस्पताल की तरफ से तो नहीं कोई, अगर मतलब इतने लोगों में कोई बाहर से आके कुछ कर रहा है तो उसको पता कराते हैं।